अज का शुभ दिन मेरे बेटे डॉक्टर अर्पित का जन्मदिन है। बेटा अमर हॉस्पिटल में शुगर का डॉक्टर है ते उत्थे 3 साल तो काम कर रहा है। वो सुबह ही चला जाता है इस करके उन्हें टाइम नहीं सी। मैं उसकी बदौलत अज इतने लंगर लगवाए। जीवन आधार रसोई जाके बहुत ही खुशी मिलती है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि मिसिज रोज, मिसिज वीना जुलका, मिसिज जुवंदा बहुत मेहनत नाल चला रहे हैं। देख के बड़ी खुशी होती है कि साढ़े शहर के विच इन्ना बड़ा उपराला हो रहा है जिथे कि हर बंदे नूं खाना 10 रुपए विच मिल रहा है। तो अपने शहर के विच कहिंदे 3 चीज़ां जरूरी होंदी है, रोटी, कपड़ा और मकान। कपड़ा नेकी के द्वार विचों मिल रहा है जो असी चला रहे हैं। उत्थे हर चीज़ 30 रुपए विच हर कपड़ा हर चीज़ मिलती है। इत्थे खाना मिल जाता है। सो नाभा शहर किन्ना लक्की है जिथे कि जरूरत सारिया पूरी हो रही हैं। मैं यही कह के अपने शब्दों को विश्राम दे जीवन आधार रसोई के नाल 1.5-2 साल हो गए मैंने जुड़े हुए। मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि वद तो वद अगे होके जीवन आधार रसोई नाल सहयोग देन ताकि वद तो वद लोग इत्थे आके खाना खा के जा सकन और अपना पेट भर सकन। कोई भी शहर दे विच भुखा ना सोए, ना भुखा रहे, ना भुखा सोए, ना भुखा जागे। मैं कहना चाहुंदी हां सरोज मैडम और उन्हां दी टीम असीं रल मिल के रसोई नूं चला रहे हां 10 रुपए विच ऐन भुखियां दा पेट भरदा जिन्ना मर्जी खाना खाया जावे। ते सरोज मैडम बहुत मेहनत कर रहे ने, जवंदा जी हैं, डॉक्टर सुनीता हैं, ये सारे रल के जो भी इत्थे कोई योगदान पांदा वो टीम ही है साडी। असीं एक फिलोसफी च बिलीव करदे हां नर सेवा नारायण सेवा मानवता की सेवा। इसलिए नाभा वासियां नूं असीं बहुत बहुत बधाई भी दिंदे हां कि आपां एक अच्छा काम चला रहे हैं। परमात्मा दिन दुगनी चौगनी सब तो तरक्की करावे और सारे लोग जिहड़े जुड़े ने उन्हां दे घर च भी परमात्मा खुशियां देवे। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साड़ी ये जीवन आधाई जीवन आधार जी रसोई है बहुत भाग्यशाली है। तो एक भुखे के पेट में एक अन्न असं पा रहे हैं, साडा सहयोग सारे कर रहे हैं। अज का जो विशेष प्रोग्राम है जोड़ा खाना ये मैडम डॉक्टर साहब इन्होंने बेटे का जन्मदिन है अर्पित गर्ग का, वो जन्मदिन की खुशी में मैडम ने सारा प्रोग्राम जोड़ा करवाया। ये सारे ने शिरकत की, असं बहुत खुश हाँ और बहुत असं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करते हैं। भी होर भी मेरी सारे नाभा निवासियों को मेरी बेनती है हाथ बन के भी साड़ी जी रसोई है सहयोग करो। असी होर भी तो होटलों के जाके असं बहुत व्डे व्डे प्रोग्राम करते हैं, असं शराबा पीने, असं मीट बनाने, असं होर बहुत खुश हाँ। पर एक भुखे के पेट में रोटी पानी एक बहुत व्डे दिल की लोड़ है। इस करके असं एक छोटा जो उपराला कर रहे हैं भी जे लोग जो मेहनत करते हैं कई बार उन्होंने खाना नहीं मिलता खाने, उस चीज़ में सोच के इस चीज़ में असं चलाया से मैडम सरोज मैडम ने, मैडम जुलका जी, डॉक्टर साहब, मैं मैडम जगजीत कौर जवंदा मेहनत कर पहला भी पटियाला, असं सारे सहयोग दिने और दिखे। मैं मरदे दम तक रसोई न जुड़ी रहूँगी। तो मैं एक बार फिर तो सब का धन्यवाद करती हाँ और सबन हार्दिक हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ कि कोई भी जन्मदिन है, कोई भी अपनी मैरिज एनिवर्सरी है, इतने आके मनाओ। हाथ बन के बेनती है कि तुहाडा दिता होया एक एक पैसा वह परमात्मा के लेखे लगेगा, लोगों के पेट च पवे, दुआवां देंगे जिस तरह अज किन्ने बंद ने खाना खाना डॉक्टर साहब बेटे असं भी दुआवां दिंदे हां भी दिन दुगनी रात चौगनी जो डॉक्टर साहब बेनत कर इन्हां दी कमाई च बरकत पवे। और सब नाभा वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत दूर दूर तक ये जी रसोई है ये मतलब चर्चा हो रही है, मेरे तो भी लोग पूछ रहे हैं। तो होर भी असं लोगों कहने भी जिन दूर नेड़े जो कोई रेंदे ने कोई मजदूर आ किसी का खाना खराब हो गया किसी भी तरह का तुम इतने साढ़े को 10 रुपए कोई ज़्यादा वही अमाउंट नहीं होंगी। तो इस करके उरे आओ साढ़े को हर रोज़ बिल्कुल ताज़ा खाना, यही है भी कल की बची हुई सब्जी असं दे दें, इदा का कोई असं काम नहीं करते, बिल्कुल ताज़ा खाना एट अ टाइम तैयार करके असं दें। साडा टाइम हैगा 11 बजे तो लैके 2 बजे तक। सब आते हैं तिल फुल पाओ और अपना दान करो। सब तो वधिया उत्तम दान है किसी भुखे पेट से पेट में रोटी देनी। मैं बड़े अपने भाग समझती हूँ भी मैं इस रसोई के मैं अपना योगदान दिनी हाँ। तो कोई बड़ा मैं कोई बहुत बड़ा महान काम नहीं करती। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, एक बार फिर थोड़ा
अपने बेटे के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। लंगर अपना एक साल से चल रहा है, सरोज जी ने चलाया है, उन्हें शुरू किया से अज भी वही चला रहे हैं, पर करीब 100 बंदे हो रहे हैं जो उन्हें सहयोग कर रहे हैं, उन्हें कम चांस उन्होंने हर महीने कुछ पैसे जमा कर रहे हैं, पर एक्चुअल जो कुछ कर रहा है सरोज जी कर रहे हैं, उन्होंने करने है जितना लंगर शुरू होया मैं उधर तो उन्हें दिया हुआ असं आप कमेटी मैंबर हाँ जो सहायता हो सकती है असं अंदर कर रहे हैं, पर सारा श्रेय है सरोज जी जाना है कि वही कली चला रहे हैं, बड़ी हिम्मत ना चला रहे हैं, अपने खर्चे चला रहे हैं, जो पैसा घट आता है खर्चा ज्यादा हो रहा है वो खर्चा सारा सरोज जी खुद अपने पलियों ला के चला रहे हैं, इनका योगदान ना भुल नहीं सकता। लंगर लगाया गया अस बहुत बहुत उन्होंने बधाइया देने, परमात्मा उन्होंने जीवन के तरक्या देवे, उन्होंने कमाई चढ़ती कला हमेशा चढ़ती कला च रहन गए, हमेशा रसोई चढ़ती कला च रहे, सरोज जी कर रहे ने सारा, इसलिए उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद है, डॉक्टर स्मिता का बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने बहुत बहुत बधाई।